I think it's a great initiative. Honestly, nobody can deny that Me Too is a great initiative. ये अच्छी बात है, अच्छे मूवमेंट है, बट आप सबको पता है कि उसका अभी हाल ही में काफ़ी मिसयूज़ भी हो रहा है. अ लॉट ऑफ पीपल आर डिनाइंग द एलिगेशंस, मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया में कोई बिलीव कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है. द काइंड ऑफ एक डिविजन आ गया है कि एक सेक्शन बिलीव कर रहा है, एक सेक्शन बिलीव नहीं कर रहा है. तो इट्स काइंड ऑफ केओटिक सिचुएशन है. मुझे लगता है कि अगर वाकई किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है तो उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, एवरीबडी फील्स दैट. बट उसका एक प्रोसेस है जो जिसे हम लॉ कहते हैं, एंड दैट शुड बी फॉलोड. बिकॉज क्या है, जब कोई अक्यूज्ड होता है उसका नाम आ जाता है, तो शायद उसने नहीं किया होगा, मान लो इफ़ यू अज्यूम किया होगा तो जो उसके हाथ हो रहा है वो सही है, और मान लो नहीं किया होगा तो मान लो वो चीज़ 4 साल बाद प्रूव होगी कि नहीं किया, या 5 साल बाद प्रूव होगी कि नहीं किया, तो क्या वो सारे चैनल्स उनका फ़ोटो जिस मतलब यू नो 10-15-20 दिन तक दिखाने वाले कि इसने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, यू नो, बिकॉज इट्स फेयर ऑल्सो, इट्स अनफेयर ऑल्सो, इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग स्टेट फॉर एवरीबडी टुडे. टू आई जस्ट फील बिलीव दैट वुमेन हु हैव जेन्युइनली यू नो हैड यू नो सेक्शुअल हैरेसमेंट विद देम, दे शुड यू नो go and file a complaint rather than you know keeping quiet. They should go and file a complaint ताकि उनको justice मिले. Is it about shaming or is it about justice? So you have to be that, you know, have that vision clear in your head. Thank you so much. Thank you. Sir, yeah.